हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंशीलाल की पुत्रवधु किरण चौधरी के दिल में मुख्यमंत्री ना बनने की टीस है और आज दादरी की शक्ति प्रदर्शन में ये टीस कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी की जुबान पर भी आ ही गई। किरण चौधरी अपने पति स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर बेटी और कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्रुति चौधरी के साथ दादरी में संकल्प सम्मेलन को संबोधित किया और इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान किरण चौधरी के मन में मुख्यमंत्री ना बनने की टीस साफ साफ देखने को मिली। कांग्रेस में कुछ पकड़ा है, हरियाणा कांग्रेस के अंदर बीजेपी को मार भगाने की योजना पूरी तरह से पक चुकी है। क्या किरण चौधरी आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा? देखो बहन जी, ये जनता के ऊपर है और किस्मत, वो कहते हैं सुरेंद्र जी कहा करते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं। हम यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, चौधरी बंसीलाल जी की और सुरेंद्र सिंह जी के अधूरे सपने जो रह गए अकस्मात उनके निधन के कारण, वो पूरा मैं और श्रुति जो है कर रहे हैं, बहुत संघर्ष के साथ कर रहे हैं और मुझे बहुत मान सम्मान है अपने कार्यकर्ताओं को के ऊपर कि इतनी सारी समस्याएं, इतनी मुश्किलें, इतनी जटिल जो है उनके सामने जो समस्याएं आई हैं उसके बावजूद भी डस से मस कभी नहीं हुए हैं। और आज जो हालात आप देख रहे हैं कि आज हमारा सरकार में हम नहीं हैं लेकिन एक एक कार्यकर्ता जो कि त्यों जो है एक बिल्कुल तगड़े तरीके से खड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का कितना जो है लोगों के मन में प्यार है और वही उसी के नाते जो है आज मैं और श्रुति जो है अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और वही संघर्ष जो है जो भी प्रभु इच्छा, क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज़ के पीछे भागने वालों में से नहीं हूँ। हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम जो है कोई लारे लप्पे नहीं देते जैसे बहुत अन्य नेता देते हैं, सबको थापी लगा लगा के किसी को MLA बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, ये काम हमारा नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम काम करते हैं और ये सारा हरियाणा जानता है और खास तौर से हमारा इलाका तो बहुत अच्छी तरह से जानता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने के लिए मन में टीस तो हो गई? मैंने आपको कहा मैं कभी भी किसी चीज़ के पीछे कोई भाग दौड़ में नहीं हूँ, ना मेरे को कोई लोभ लालच है। मैंने काम करना है, जो प्रभु की इच्छा है उसने देना है, लोगों के प्रति अगर काम करना है तो जरूर करेंगे। क्योंकि अभी आपने बताया कुछ कांग्रेसी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे नहीं करना, क्या है वो जनता उनको अपने आप जवाब दे चुकी है, कितनी बार, एक बार ही थोड़ा ना, कितनी बार 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 दे चुकी है। जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उसको लेकर वो जनता उनको बार बार जवाब दे चुकी है, आज है कहाँ वो, ये केवल इनको खड़ा करा जाता है इसलिए इनको, ताकि ये जो है 150 वोटें जो है खराब करें। पर अब जनता समझ गई है कि इस तरह के लोग जो हैं ये अपना ही प्रलोभन सिद्ध करने की बात करते हैं, इनका और कोई औचित्य तो है नहीं। क्या श्रुति चौधरी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारियां है, कन्फर्म है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? श्रुति चौधरी यहाँ से पूर्व सांसद रह चुकी हैं और पूर्व सांसद रहने के बाद आप समझते हैं कि फिर इलाका जो है वो आपका माना जाता है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, पूरी तरह से हमारे बूथ लेवल कमेटीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, हमारे कार्यकर्ता जो हैं प्रोग्राम्स कर रहे हैं। कल ही जो है प्रोग्राम, इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है नांगल चौधरी में हुआ था, आपने देखा किस तरह से जो है लोग बच्चों के अंदर जो है विश्वास और क्या कहते हैं उमंग और क्या कहते हैं जोश था। और आज जो आज का प्रोग्राम आपने देखा, ये गाँव रावदी के अंदर ये कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं आप कि जो है श्रुति के प्रति, श्रुति को तो सब अपनी बहन और बेटी मानते हैं, क्योंकि मैं तो फिर भी वो हूँ श्रुति तो बेटी है सबकी। किरण चौधरी में मुख्यमंत्री न बनने की टीस तो दिखी, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं राजनीति में कोई पद या कुर्सी के लिए नहीं आई हूँ, सीएम बनाना या ना बनाना ये जनता के हाथ में है और मैं राजनीति में जनता की सेवा करने के लिए आई हूँ। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरे और जनसभाएं कर रही हैं और बार बार श्रुति चौधरी को कांग्रेस प्रत्याशी बताकर जीत का दम भर रही हैं। चरखी दादरी से पुनी श्योराण, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।